Hey, what's up guys? कैसे हो सारे सारे? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो बहुत टाइम से बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट द आय का टीम कॉम को लेके। तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ अबाउट द बिल्ड और टीम कॉम्स। बट कुछ नई टीम्स भी इंट्रोड्यूस हो गई है कामिसा तो आयका के साथ, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैक्सिमम मैं बात करने वाला हूँ टीम कॉम्स को लेकर, मगर उससे पहले एक छोटी सी समरी अबाउट हाउ टू बिल्ड कामिसा तो आयका और इसको क्यों पुल करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सारी यूनिट्स बिल्ड नहीं है और बहुत सारी यूनिट्स मेरे पास है भी नहीं, इसलिए मैं सारी टीम का शोकेस नहीं दिखा सकता। बट जितनी मेरे पास है उतनी मैंने दिखा दिया, तो बिना किसी तरीके लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्ले स्टाइल को लेके। तो एक सॉर्ड यूजर है, क्रायो डैमेज डील करती है और इसका मैक्सिमम डैमेज इसकी अल्टीमेट से आता है एंड नॉर्मल अटैक्स और स्केलेबिलिटी, तीनों ही टैलेंट से काफी अमेजिंग डैमेज देती है। मगर इसकी अल्टीमेट काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि कंसिस्टेंट क्रायो अप्लाई करती है और एनिमी पे कंसिस्टेंट क्रायो डैमेज डील करती है। मगर इस डैमेज को इम्प्रूव करने के लिए टीम का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। प्लस इसके पास वेपन ऑप्शन भी कम है F2P में। जो बेस्ट ऑप्शन है F2P में वो है एके फिनाले ऑफ द डीप, जो कि फाउंटेन का क्राफ्टेबल वेपन है जिसको रिफाइनमेंट करना पड़ता है, और उसके साथ एक कंडीशन है हीलिंग की, उसको फुलफिल करनी पड़ती है, तब जाके आपको मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज मिलता है। उसके बाद है काकेउची, इसको रिफाइनमेंट करने के बाद आपकी एनर्जी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व होती है, जिससे आप कंसिस्टेंट बर्स्ट यूज कर पाते हो एवरी रोटेशन। उसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज अ ब्लैक क्लिफ सॉर्ड, जो कि आपको शॉप से मिलती है मास्टर ग्लिटर यूज करने पे। मगर इसके रिफाइनमेंट्स थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं, काफी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, जिस वजह से मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। इससे अच्छा आप कोई 5 स्टार पे ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मिड स्प्लिटर या फिर हरन या फिर प्रीमोडियल जेट कटर, लाइट ऑफ फॉलर, तो इन वेपन पे आप ट्राई कर सकते हो, तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू 4 स्टार। अब बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स की, तो देयर इज ओनली वन सेट जो कि ये इस्तेमाल करती है और वो है 4 पीस ब्लेजर्ड सेट। इस सेट पे आपको 40% क्रिट रेट बूस्ट मिलता है, इस वजह से आपको मैक्सिमम फोकस करना होता है क्रिट डैमेज पर और अटैक परसेंटेज पर। तो सिंपल वे में जब आप ये सेट रन करते हो तो आपको क्रिट रेट कम रखना पड़ता है एंड क्रिट डैमेज ज्यादा रखना पड़ता है विद एनर्जी एंड अटैक। तो उस हिसाब से 30% काफी है, 40% आपको मिल जाएगा, 30+40 70% आप इजिली हमेशा क्रिट करोगे। अटैक की बात करूं तो मेक श्योर कि आपका अटैक हमेशा 2000 से अबव रहे एंड एनर्जी रिचार्ज आप 30% या 20% रख सकते हो। फिर भी अगर एनर्जी इशू होते हैं तो आप एक क्रायो बैटरी रख सकते हो कोई भी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे टीम सेक्शन में। तो ये आर्टिफैक्ट सेट बहुत ही बढ़िया है अगर आप फ्रीज करते हो तो, अदरवाइज आपको इस सेट की जरूरत नहीं। आप 2 पीस 2 पीस रन कर सकते हो, 2 पीस अटैक 2 पीस क्रायो, और यू कैन ऑल्सो यूज 2 पीस अटैक 2 पीस नोबलेस। बात करते हैं फुरीना की, अगर आप फुरीना रन कर रहे हो इसकी टीम में फॉर द हाइड्रो, तो यू कैन ऑल्सो यूज अ हंटर सेट 4 पीस, वो सेट भी ये पूरा इस्तेमाल कर सकती है। हंटर सेट से भी आपको 36% क्रिट रेट मिलता है, तो मेक श्योर कि आपको क्रिट रेट कम रखना है और क्रिट डैमेज ज्यादा विद अटैक। तो यही थे वेपन्स आर्टिफैक्ट्स के बारे में। कॉन्स्टेलेशन और टैलेंट्स किस तरीके से काम करते हैं मैंने वो वीडियो में बात कर रखी है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। अब बात करते हैं इसको पुल क्यों करना चाहिए। तो जो लोग फ्रीज कॉम में इंटरेस्टेड हैं वो कामिसा तो आयका के लिए जा सकते हैं बेशक, आप फ्यूचर में इसकी टीम बना सकते हो। बट अगर आपके पास टीम है ऑलरेडी तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, ये आपको काफी अच्छा आउटकम देगी। मगर जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आती है टीम कॉम्स की, क्योंकि टीम कॉम कंप्लीट ना होने की वजह से उनकी कामिसा तो आयका ठीक से डैमेज देती नहीं है, जिस वजह से उनको लगता है कि उनके बिल्ड में कोई फॉल्ट है, और इसकी टीम ही सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उस चीज को कंप्लीट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब रही बात जो एनिमीज फ्रीज नहीं हो सकते उनके अगेंस्ट ये थोड़ा सा डाउनग्रेड जाती है, ये बिकॉज इसका मेल्ट काफी अच्छा नहीं है। बट अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती। उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा सीवन राइजली। आपको 3 चीज बेनिफिट करता है, वो है ड्यूरेशन इंक्रीज, डैमेज इंक्रीज, और उसके साथ साथ हीलिंग इंटरवल 2.5 सेकंड्स का हो जाता है, तो वो ज्यादा बेटर रहता है मेल्ट केसेस में। तो अगर आप वो चाहो तो उसको प्लान कर सकते हो और इसको स्किप कर सकते हो। बट अगर आप फ्रीज कॉम के लिए जाना चाहते हो तो ये काफी अच्छी यूनिट रहेगी, जिसको आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। अब बात करते हैं मेजर टीम्स की, जो कि आप कामिसा तो आयका के साथ रन कर सकते हो। तो पहली टीम जो है वो है मोना, आयका, काजुआ एंड रोजारिया। ये टीम काफी अमेजिंग है, इसको मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। रोजारिया काफी अच्छा क्रायो अप्लाई करती है, प्लस वो क्रिट रेट बफ देती है पूरी टीम को, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। प्लस उसके साथ साथ रोजारिया बैटरी का काम भी करती है, जो कि बहुत ही अच्छा निभाती है। उसके साथ साथ मोना हाइड्रो एप्लीकेशन इसका फास्ट नहीं है और इसका ज्यादा ड्यूरेशन नहीं है हाइड्रो एप्लीकेशन की, मगर काफी अच्छा बफ देती है तो डैमेज इंप्रूव होता है। प्लस फ्रीज में जो इसका ओमन बफ होता है वो ज्यादा देर तक रहता है, तो अच्छा ही रहता है वो परफॉर्मेंस के लिए। एंड मोना पे आप 4 पीस नोबलेस दे सकते हो। और अगर आपको हीलर की जरूरत है तो पहले बता देता हूँ कि हीलर की जरूरत होती नहीं है, इस कॉम में मैक्सिमम एनिमी फ्रोजन रहता है तो हीलिंग की जरूरत नहीं होती। फिर भी हीलिंग की जरूरत है तो आप मोना को प्रोटोटाइप एम्बर दे सकते हो R5 विद 4 पीस नोबलेस। काजुआ फॉर द क्राउड कंट्रोल, स्वल करेगा वो और वीवी डीबफ करेगा, जिससे आपकी आयका का डैमेज बढ़ेगा। इस टीम में आप फाउंटेन का वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले बता रहा हूं, आपको काकेउची इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हीलिंग नहीं होगी तो उसका पैसिव नहीं हो पाएगा ठीक से इस्तेमाल, तो वो वेपन आप इस टीम में रन नहीं कर सकते। बात करते हैं सेकंड टीम की, तो सेकंड टीम है कोकोमी एंड शेने। इस टीम में चाहो तो आप फाउंटेन का वेपन फिनाले इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कोकोमी लाइफ ऑफ बॉन्ड का पैसिव इजीली हटा देगी और अच्छे तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस इसमें हाइड्रो एप्लीकेशन कंसिस्टेंट रहती है, तो बार बार फ्रीज हो सकता है इजी तरीके से,
एंड शने बूस्ट कर देती है काफी ज्यादा अमेजिंग, जिस वजह से हाई डैमेज देखने को मिलता है। प्लस कोकोमी पे आप टेनिसिटी का सेट लगा सकते हो ताकि वो अटैक बफ करे, एंड कजुआ सेम चीज करेगा, क्राउड कंट्रोल एंड डैमेज इंक्रीज प्लस वीवी डिबफ। तो ये है बेस्ट टीम, मगर काफी एक्सपेंसिव बिकॉज सारी यूनिट होती है 5 स्टार, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं न्यू टीम की, और वो है शार्लेट और फुरीना के साथ। ये टीम काफी अमेजिंग है क्योंकि फुरीना काफी अच्छा बफ देती है, प्लस शार्लेट बहुत अच्छा रोल निभाती है हीलिंग का, जो कि फुरीना को चाहिए होता है, एंड कजुआ सेम चीज करेगा, क्राउड कंट्रोल एंड वीवी डिबफ। इसके सिवा अगर आप सोच रहे हो डियोना रन करने की, तो सॉरी वो काम नहीं करेगी, शार्लेट ही सबसे बेस्ट है। प्लस इस टीम में नोबलेस का सेट जाएगा शार्लेट के ऊपर ताकि वो अटैक बफ भी कर सके, प्लस शार्लेट एनर्जी पार्टिकल जनरेट भी करेगी आयका के लिए, जो कि उसको चाहिए होता है ताकि आप एवरी रोटेशन पे बस यूज कर पाओ। और अगर आपको और अटैक चाहिए तो आप फोकस टेनेसिटी रन कर सकते हो फुरीना के ऊपर, वो उसका पैसे पूरा ट्रिगर कर सकती है, आपका पर्सनल डैमेज फुरीना का जो है वो कम हो जाएगा, मगर आपको बफ काफी अच्छा मिलेगा। इसी टीम में अगर आप चाहो तो कजो की जगह जीन रन कर सकते हो एंड शार्लेट की जगह रोजारिया, बट मैं आपको बता दूं ये टीम क्राउड कंट्रोल के अगेंस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, जहां पे मल्टीपल एनिमीज होंगे। सिंगल टारगेट के अगेंस्ट या डबल टारगेट के अगेंस्ट तो फिर भी चल जाएगा, बट मल्टीपल टारगेट के अगेंस्ट ये टीम थोड़ी सी लैक कर सकती है। अब बात करते हैं फोर्थ टीम की, तो मैं रिकमेंड करता हूं हाइपर फ्रिज। इस टीम कॉम में आप आयका को रन कर सकते हो, और ये एक ऐसी टीम है जिसमें फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, एंड आप इसको 4 पीस ब्लिजर्ड पे हटा के 2 पीस पे रन कर सकते हो। इस टीम में आपको मैक्सिमम फोकस करना है अपने काम से, तो आयका के नॉर्मल अटैक्स को इंक्रीज करने में, प्लस उसके साथ साथ आपको हाइपर ब्लूम मिलेगा और आप एनिमी को फ्रीज भी कर पाओगे। बट फिर भी 4 पीस ब्लिजर्ड इस्तेमाल मत करना, शायद उसका पैसिव आप पूरा इस्तेमाल ना कर पाओ, इट्स अप टू यू, आपको देखना पड़ेगा कि आप किस एनिमी के अगेंस्ट लड़ रहे हो। बाकी इस टीम में भी आप इसको रन कर सकते हो और काफी अमेजिंग वर्क करती है, मैं ट्राई कर चुका हूं। नहीं था बहुत बड़ा रोल निभाती है यहाँ पे हाइपर ब्लूम करने के लिए, कुकी को हीलिंग और ईएम पे बिल्ड करना है, एंशिनचू फुल डैमेज डीलिंग और हाइड्रो एप्लीकेशन करने के लिए। अब बात करते हैं फिफ्थ टीम की, तो यू कैन यूज अ मोनोक्रायो टीम। मोनोक्रायो टीम में सिंपल सा एक रूल होता है, 3 क्रायो यूनिट और 1 एनमो यूनिट ताकि बफ मिले और क्राउड कंट्रोल हो सके। अगर आपके पास शने नहीं है तो आप चाहो तो रोजारिया या फिर काया रन कर सकते हो, जो भी आपके पास सॉलिड बिल्ड करेक्टर क्रायो में हो एज अ सब डीपीएस के तौर पे, आप उसे रन कर सकते हो। लैला काफी अच्छा डैमेज देती है और शील्ड देती है, तो इसलिए आप लैला रख सकते हो ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले। तो ये टीम भी काफी बढ़िया है, जहां पे भी आपको लगता है कि आप मोनो क्रायो टीम रन कर सकते हो और डिफीट कर सकते हो एनिमी को। एंड द लास्ट टीम यू कैन यूज डबल क्रायो विद काजुआ एंड बैनेट। ये टीम भी काफी अच्छी है, अगर आपके पास कोई हाइड्रो यूनिट नहीं है तो आप फ्रीज नहीं कर पा रहे, और एनिमी अगर फ्रीज नहीं हो रहा तो आप ये टीम रन कर सकते हो। इस टीम में शने काफी अच्छा डैमेज बूस्ट करेगी, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप रोजारिया भी रन कर सकते हो। सो सबसे लास्ट में जो लीस्ट टीम है वो ये है, जिससे आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थी टीम कॉम्स जो कि मैं तुम लोगों को बता दिया, अगर कोई यूनिट नहीं है तो फ्यूचर में पुल कर लेना और अपनी टीम कंप्लीट कर लेना। एंड में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि दिस करेक्टर इज रियली गुड, बट कंडीशन बहुत सारी है, लाइक आपको सिर्फ फ्रीज करना है एंड टीम ऑप्शंस भी बहुत कम है, प्लस जो यूनिट्स है वो मोस्टली 5 स्टार है, एंड कहीं ना कहीं फिर फार्मिंग भी करनी पड़ती है पर्टिकुलर सेट के लिए। बट इस वर्थ इट, अगर आप डेडिकेशन से इसकी टीम कंप्लीट करना चाहते हो और इसके साथ खेलना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत अच्छी यूनिट है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो, ये यूनिट बहुत अच्छा साथ निभाएगी आपका। बाकी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे मोटिवेशन से और वीडियो बना सकूं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस।